paradise, I kinda like it. I'm paralyzed, why can't I see your face? Feel the same way, why don't you say my name? Always get ignored, I don't exist. I'm sick. It's alright, I'm fine, I'm just passing the time. I need you in my life, when I'm with you I can't move, it feels like I'm losing my mind. हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी दोस्तों स्वागत है गोलू ब्लॉग्स के चैनल पे। तो गाइस यार, इस समय आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी रोड खाली है और इधर भी कोई नहीं है। आपको दिखा दे रहे हैं, सामने से कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम खाली रोड पे इसलिए आए क्योंकि आज हमको कुछ स्पेशल चीज मिली। थंबनेल तो आप देख ही नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आप एक बार दिखा दे रहे हैं। तो हमारे पीछे खड़ी है, अभी जल्दी लॉन्च हुई है बजाज पल्सर की N150 जो हमारे सामने इस समय यहाँ पे खड़ी हुई है। तो आज हम इस पर रिव्यू कर रहे हैं और पूरा वॉक अराउंड कर रहे हैं और देख सकते हैं किस हिसाब से, मतलब मेरा ब्लैक एकदम फेवरेट कलर अच्छा लगे तो मैं ब्लैक मैंने उनसे मांग लिया था। और इसके लेकिन तीन वेरिएंट आते हैं इसके, जैसे कि रेड, व्हाइट, ब्लैक। तो हमें तो ब्लैक अच्छा लगा और रेड अच्छा लगे। व्हाइट, अब जो जिसको व्हाइट पसंद है वो व्हाइट ले सकते हैं। तो अभी तो हम भाई तो हम इसके प्राइस भी बता दे रहे हैं। इसका प्राइस है 1,90,000 जो अभी इस समय है। और भाई बहुत अच्छी बाइक है। तो जब हम शोरूम से जब लेके आए थे, तब हमने उस पर राइडिंग का पूरा शूट कर लिया था। सोचे इसका वॉक अराउंड का थोड़ा बहुत शूट कर ले रहे हैं और हल्का फुल्का और शूट करेंगे। तो अभी का हम ये बता रहे हैं इसके। तो चलिए फिर अब इस पर स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आपको साउंड सुनाते हैं, एग्जॉस्ट नोट कि किस हिसाब से कैसी आवाज़ करती है। डिस्प्ले भी कुछ ऐसी मिलता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं आपको। तो कुछ ऐसी साउंड है बाइक की, हल्के से लेंगे, हल्का रेप करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो कुछ ऐसा DRL और प्रोजेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सामने, तो ऐसे DRL मिल जाते हैं और प्रोजेक्टर देख सकते हैं। और इस हिसाब से इसकी दिन में भी इतनी हाई है कि मतलब आंखों मेरे चुभ रहा है, लेकिन चश्मा लगाया तो इस वजह से चुभ नहीं रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मतलब पहले ये थे कि जो पल्स जो पहले निकाल लेते नॉर्मल, मतलब पूरी बॉडी का लुक दे रहे थे, लेकिन अब जो नए नए जनरेशन के जो बच्चे हैं वो सबको थोड़ा नया और एग्रेसिव लुक चाहिए होता है। तो ये भाई पूरा दूर से एग्रेसिव लुक लगता भी है, तो इसी वजह से तो कंपनी ने सोचा चलो अब एक नया लुक निकालें, तो इसी वजह से ये थोड़ा एग्रेसिव लुक लगता है। और फ्रंट व्हील ABS है, बैक व्हील ABS नहीं है। फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, लेकिन बैक व्हील में डिस्क ब्रेक नहीं दिए हैं। मैं आपको दिखा दूँगा। तो सामने यहाँ पे डिस्क ब्रेक है और ABS सेंसर, ये सब देख सकते हैं। तो आगे का ABS है और पीछे का हम दिखा दे रहे हैं। तो पीछे के हम टायर की बात कर ले रहे हैं। पीछे का टायर कुछ ऐसे ही नॉर्मली है, देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल ब्रेक दिए गए हैं। रही बात हम इसकी बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें किक स्टार्टर दिया है, जैसे अगर बैटरी लो हो जाए या सेल्फ ख़राब हो जाए तो काम ना करें तो हम लोग फिर किक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सीन अच्छा दिया है। एक चीज़ और इसमें दिया है, जैसे कि हम बाइक जैसे न्यूट्रल पे हैं, स्टार्ट हो जा रही है और गियर लगाते हैं, देखें अभी गियर लगा रहे हैं, स्टैंड पे है, बंद हो गई। ये चीज़ अच्छा दिया है। तो ये चीज़ हम चाहते हैं हर बाइक में, जिससे कि कुछ लोग होते हैं जो बिना स्टैंड उठाए हुए निकल लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में आगे जाके कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ दे दी है। इसकी फ्यूल टैंक की बात की तो फ्यूल टैंक भाई 14 लीटर फ्यूल टैंक है, तो आराम से भाई कोई ज़रूरत नहीं, लंबा ट्रिप मार सकते हैं। और एक तो यार एवरेज बहुत अच्छा देगी क्योंकि 150cc इंजन है, तो आप समझ सकते हैं। और रही बात चलाने की, तो सबसे राइड में कर रहा हूँ अभी, उसके भी रिव्यू दे देंगे। एक चीज़ और दी गई है इसमें, चार्ज भी लगा सकते हैं फ़ोन। तो अभी इसको हम देखेंगे, अभी क्या कहते हैं, मैं USB केबल लाया हूँ, तो उस पर चेक करेंगे कि चार्ज होता है कि नहीं। चार्ज होता रहेगा। कंपनी सच बोलती है, झूठ बोलती है। ओह माय गॉड, कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया। ओह चार्ज होने लगा, मतलब स्टार्ट करने पे चार्ज होगा। कंपनी एकदम सही है, कंपनी फ्रॉड नहीं निकली। मजाक कर रहा हूँ गाइस यार। अरे यार डिस्प्ले की यहाँ पे देखते हैं, साइड स्टैंड का ऑप्शन दिया है, जब साइड स्टैंड रहेगा तभी होगा, बैटरी का और भी ABS, RPM लिमिट, न्यूट्रल। और इसकी हम और बात करें तो इसमें क्या कह दिया, ट्रिप 187 पॉइंट, ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं गया। टाइमिंग का भी है, टाइमिंग बताता है इसमें, हम टाइम दिखाते रहे आपको इसमें टाइम क्या हो रहा है। 4:00
छः मिनट हो रहा है टाइम। हाँ, इसकी बैक लाइट के बारे में बात करें, मतलब बैक टेल लाइट के बारे में बात करें तो देख सकते हैं बैक टेल लाइट है, कुछ इस तरीके से दिखती है। पुराने जैसे जो पुरानी जो पल्सर आती है उसकी स्ट्रेट देते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा सीन है कि एकदम थोड़ा सा कर्व कर दिए हैं, तो देख सकते हैं किस हिसाब से। और रही बात है, मुझे यार इसका कलर बहुत प्यारा लगा, बहुत यूनिक है पल्सर का, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा लगता है। सीट सिटिंग की पोजीशन, तो पहले जो बाइक आती थी उसमें दो सीट देते थे, लेकिन अब इसमें एक ही कर दिए हैं, तो ये बहुत अच्छे है। तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी अगर इसमें बैठने जाए, दो से तीन लोग बैठ, मतलब तीन लोग या चार लोग आराम से बैठ जाएंगे। और जो पहले जो आती थी उसमें सिर्फ सीट, मतलब एक यहाँ तक देते और एक यहाँ पे दे देते थे, तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी तीन लोग को बैठने में, और तो इसमें स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, तो वो सही है। और भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई कहीं से भी वाइब्रेशन तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे हैं भाई साहब। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। वाइब्रेशन की बात करें तो भाई वाइब्रेशन तो इतना है नहीं, हाँ जो थोड़ा सा जो इतना सा आता है भाई वो तो होगा, लेकिन भाई मुझे तो यार कोई फर्क नहीं लगा, मतलब इसमें वाइब्रेशन कुछ नहीं लगा। ज्यादातर भाई पूरी भाई ब्लैक करें, बस ये जो सिल्वर है बस इसको बस सिल्वर दिए, बाकी हर जगह से ब्लैक है, मैट ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक। हैंडलिंग जो पोजीशन है भाई एकदम बेस्ट है, सच्ची बता रहे हैं। मतलब मुझे तो भाई इसको चला के बहुत मजा आया, इसके रिव्यू तो है दूसरे ब्लॉग में आएगा। तो मुझे तो इसको चलाने बहुत मजा आया, क्योंकि जिस हिसाब से इसका जो हैंडल है पोजीशन पकड़ने की और चलाते हैं भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को चलाने में। कुछ अगर छोटा मोटा चीज छूटी होगी तो वो हम पूरा कर देंगे और दूसरे ब्लॉग में पता चल जाएगा। और एक चीज़ और, इसमें डबल स्टैंड दे दिया गया, ये सही है। और ये पावर की बात करें तो पावर ही सही है। और हाँ, इसकी अगर PS की बात करें तो 13.5 PS है, और टॉर्क की बात करें तो 14.5 कुछ टॉर्क है ऐसी है, या फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, रुको यार मैं जरा हल्का सा चेक कर लूँ, पता नहीं मैंने सही बोला कि गलत बोला ही। हाँ, जैसे कि मैंने, मेरे को लगा था कि मैंने ऊपर नीचे कर दिया। PS की बात करें तो 14.5 PS है, और टॉर्क की बात करें 13.5 टॉर्क है, नीचे के ऊपर ऊपर का नीचे कर दिया था, इतना कंफ्यूज हो गया यार। तो बस बाकी इस वीडियो यहीं एंड करते हैं, और आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ सर बताइए कैसा मैंने रिव्यू दिया, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट रिव्यू है इस बाइक पे। बाय द वे वैसे तो मैं व्लॉग करता हूँ, लेकिन इसके हिसाब से तो अभी तो इस वीडियो यहीं एंड करते हैं, और सिनेमैटिक लेना हल्का फुल्का सिनेमैटिक ले रहे हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो यहीं एंड करते हैं, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करिए, और जिस चीज़ मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया भाई हैंडल डिस्प्ले और जॉय अपने भाई को फॉलो करो इंस्टाग्राम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।